यार इसमें जब फोटो ले तुम्हारा पेट आ रहा है खाली। DGX चलो जी, दूसरा ब्लॉग चालू हो गया एकदम से ही। अब मैं निकल रहा हूँ, एमी को नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं होटल जहाँ मम्मी पापा का आज इवेंट है, वहीं सेलिब्रेट करें। सैडली रात की केक कटिंग एमी के साथ नहीं होगी। मन तो है एमी का भी, मेरे को ही पता उसको जाना है, बट अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि मम्मा ने कहा एमी के साथ अच्छे से करना है। अभी उसको रहने दो, उसको बिना बताया आ जा। तो मैं स्कूटी पे मैं निकल रहा हूँ डायरेक्ट क्राउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा। एंड वेल व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू 365 ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग हैप्पी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई नो एमी को लेके जाना चाहिए बट अभी कुछ कर नहीं सकते बिकॉज इतनी रात को जाना देन ना रिस्की है ना, आप समझ रहे हो। वो तो मेरे को ही मना कर रही है बट मैंने कहा मैं तो आऊंगा, ऑब्वियसली मैं तो बड़ा हूँ। मैं क्या बोलूं, लेके जाना पड़ रहा है। कोई नहीं, अच्छी बात है, कैब में जा रहे हैं। स्कूटी से ज्यादा कैब में नहीं जा रहे, रिचा मासी के गाड़ी में जा रहे। तो कैब में आ रही है, तो अभी रिचा मासी आ रही है, मैं और ये जा रहे हैं। मैं अकेला स्कूटी पे जा रहा था, मम्मा ने इधर कॉल कर दिया, ये फैल गई होगी पक्का, कुछ चक्कर में मेरा भी होगा। कोई नहीं, अच्छी बात है, ये जानी चाहिए, तो हमारी प्यारी बहन है, इसके बिना तो बर्थडे नहीं बनेगा। एकदम बहुत अच्छी बच्ची है ये, है ना, पसीना मेरे बेशक होटो पे लग गया हो बट बहुत अच्छी। ये देखो कितनी सुंदर है, मुझे देखना अपने डॉल को एक स्केच पेन से देखो, तब से कलर करे जा रही है। तो तब तक मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, मैं अपना व्लॉग एडिट कर लेता हूं इतनी देर, जितना मैंने अभी ट्रांसफर करा हुआ वो सारा तो एडिट करके मैं खत्म करूं। अपने को लोड नहीं लेनी, अपन तो काम पे लगते। यार क्या टेम्परेचर चेंज है, बाहर इतनी गर्मी, अंदर एकदम ठंडा 18 डिग्री पे ना इसी। चलो हम फिर फटाफट यार ये वाला काम निपटाते, कोई ना। अरे अच्छा यार एमी जा रही है, मजे का ले रहा था, मतलब मजे इन द सेंस ये वाले कि हाँ एमी, मतलब एमी के साथ अभी बैठ के ये नहीं कि क्या बोलते हैं इसको लेके नहीं जाना, नॉलेज को तो लेके जाना था भी और नहीं भी, बट हाँ ओके चलो अब जा रहे हैं कैब से जा रहे हैं, दैट्स अ गुड डिसीजन। अच्छा एमी भी चल लेगी, अपने जोक्स को जस्टिफाई करना पड़ता है भाई, बताओ। 4.5 मिनट का ब्लॉग एडिट कर ले दीदी, कालू अंदर बैठ जाओ अभी। हाँ तू रेडी नहीं हुई, अरे कैब आ गई, ये दो भी आधा घंटे पहले हुआ था दीदी, गाड़ी आ गई है नीचे यार। तू छोड़ नहीं जा रही, मैं चला जाता हूँ प्लीज। आधे घंटे पहले बोला था आपको भी रेडी कराऊं, तो कार्ड बना ले। मैं देखो मैं चुटकी में मैं टी शर्ट चेंज कर लूंगा, देखते तब तक रेडी होती कि नहीं, हो जाएगी जल्दी। खाने तो खाने का छोड़ो, भी रेडी कराओ दीदी, खाने का छोड़ो, खाना तो आके भी खाएगी, मैं भी खा लूंगा, वहाँ भी खाएगी, मेरे को पता है। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं मिलेगा, सब मिलेगा वहाँ। होटल में जा रहे हैं, होटल में पूरी वसूलियत करेंगे और एक रील भी शूट करके आएंगे, दिक्कत कैसे ले रहे हैं हम। देखो मैं एक चुटकी में टी शर्ट चेंज करूंगा, देखा रेडी हो गया ना, मैंने टी शर्ट भी बदल लिया, मैंने जैकेट भी डाल ली ऊपर से, पैंट वही सेम ही है। ये भी देखो एकदम एक चुटकी में रेडी हो गई, फटाफट दीदी ने रेडी कर दी, जूते नहीं पहने लेकिन अभी तक इसने। बाल भी बनाने हैं भाई, मैं नहीं लेके जा रहा। हेलो भाई, मैं इसलिए मेरे को इतनी चीजें हो जाती है, इतनी लोड हो जाती है जिंदगी में। एक सेकंड, मास्क, अरे मास्क तो पिछू वाली पॉकेट में है। मुंह धोने की जरूरत लग रही है वैसे तो नहीं, ऐसे ही है यार, इतना कौन देखने आ रहा है, बर्थडे केक ही तो जाना है, बस थोड़ा फोटोज में अच्छा दिखना है इसलिए मैंने जैकेट डाल ली है। यार मैं पता नहीं क्यों इस समय जस्टिफाई क्यों कर रहा हूँ चीजें जबकि मेरे को करनी नहीं चाहिए, सब चिल है यार। मैं वो बस थोड़ा एड्रेनल रश हो रहा ना, तो मैं बोले पे बोले जा रहा हूँ। हाँ बोलो। ये अलग ही अपना स्टाइलिंग करते जा रही है भाई साहब, बड़ी बड़ी सीन लग रही, बैग वैग टांग के एकदम है मैडम। फैशन डीवा है, पापा का गिफ्ट है। अच्छा ठीक है, समझ गया बेटा, परेशान। मैंने कार्ड बनाया। एक काम कर, हगी ले दो, वैसे बड़े क्यूट लग रहे हो। आप तो कुछ लेके भी नहीं जा रहे। आपने दिया मैंने दिया, एक ही बात है ना। नहीं हाँ, आपने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। कोई ना, हर चीज में हेल्प करना। मैं पापा के लिए, आपको पता मैं क्या लेने जा रहा हूँ, क्या मैं लेके जा रहा हूँ, आपको पता मैं आपको क्यों बताऊँ। मैं पता क्या लेके, मैं एक फ्लावर लेके जा रहा हूँ, मैं एक कार लेके जा रहा हूँ। इसमें मम्मा ने ना मेरा गिफ्ट पहले लेके रखा हुआ, आपको पता ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं रहता। अम्मी और पापा के लिए कार्ड है, दिखाओ। फाइनली पहुंच गए, चलो। पता है मेरे को, मैं ही लाया था आपको शायद अपने साथ, मैं मम्मा आप हम सब साथ आए थे मोटू। जाओ चेकिंग कराओगे, जाओ अकेली चले जाओ चेकिंग कराने, चले जाओ। एमी तुम हर जगह क्यों दिमाग लगाते हो जब तुम्हें पता तुम में नहीं है, तेरे को इस मशीन में डाल दें, कैंसिल कर दे उन्होंने सामान। कर दिया एमी डॉन का सामान कैंसिल कर दिया, बोले डॉन इसलिए नहीं ले रहे। दिव्या ने सरप्राइज खराब करा, मैंने नहीं, उन्होंने कहा रिचा की एंट्री ने भी कर दी। बताओ, हाँ आपने वो एंट्री कराई ना, वो चक्कर में खराब होगा, वो बैठे सामने देख लिया अब तो। हेलो, खाना खाए जा रहे हैं, हमको कोई पूछ नहीं रहा। तो तुम्हें घर से खा के आना चाहिए था, तुम्हें सिर्फ केक के लिए बुलाया मैंने। ये क्या बात, थोड़ा तो पिलाओ। ये पापा के केक के ऊपर की ये अभी इसके पीछे बहुत बढ़िया टाइटल लिखा हुआ है, वो अभी पता चलेगा आपको बाद में। अब हम रील शूट कर लेते हैं, जो मेन मकसद से हम आए हैं, हम यही बस जाए। भाई इतना बड़ा शीश पूत, ऐसे एक्टर है जैसे पहली बार आ रहे हैं। ठीक है, इतने टाइम में इतने छोटे आए हैं, आदत ही कूजा ऐसी कूजा। चलो बाहर कहीं ले जाने लायक नहीं हो तुम। रील भी बना ली, डांट भी खा ली, पूरी वसूलियत हो गई, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट काम रील बन गई। बस पापा का बेटा है, जैसे आएंगे फिर हम केक कटिंग करेंगे और क्या। मेनली इसके चक्कर में डांट पड़ी है मेरे को, ये देखो मम्मा अभी भी कर रही है, फिर देखो अभी कूद रही है। ये क्या बात हुई, छोटी है तो कर सकती है। जाएंगे तो हम पापा के साथ ही ऐसी मच्छी लाना, बिल्कुल देगा।
बताओ बताओ कौन देगा बिल? दो जवाब, वो देखो शुरू हो गया भाई, खत्म करो और घर चलो। चलो चलो दफा हो यार, तुम भगाने के लिए जो मैंने यार, ये क्या बात हुई, सोने तो थोड़ी देर बढ़िया गद्दा, इतने दिनों बाद मिला है। क्यों घर पे तो बुंजे सोता है ना तू? वाह घर का गद्दे से मैं बोर हो गया, ये गद्दा बढ़िया सोने के लिए। इसको घर पे गद्दा देख रखा हूं, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे यार। ज्ञानी बाबा एसी मत चलाओ, बिल कौन देगा बताओ भाई? ऐसे बैठे ये वाले ये बिल, ये वाले ऐसे बैठे साधु, पापा साधु बन गए साधु। यार इसमें जब फोटो ले तुम्हारा पेट आ रहा है खाली। यार बर्थडे बर्थडे के दिन तो छोड़ दो मम्मा, भैया वो छोड़ दो उधर से भी दो। अरे चेयर भी नहीं सही हो रही। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गई साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलाना बिल कौन देगा? मेनी गर्लफ्रेंड्स टू यू, कॉल मी ब्यूटीफुल देन मी। भाई सुबह के 4 बज रहे हैं, मेरे को बहुत तेज भूख भी लग रही है, मैं सो गया था कसम से, मैं 1:30 बजे सो गया था, बिजली बम 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 हुई और मैं जाली वाला खोल के सोया था क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी, एसी नहीं चलाया मैंने, बम बम बिजली हुई, मेरी नींद खुल गई। ठीक है अब मेरे को भूख लग रही है, मैं बाहर आया लेकिन कुछ खाने के लिए है नहीं, और बाहर का मौसम मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर के कुछ हाल ऐसे है, देख लो बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, ये सामने ये धुंधला नहीं हो रहा, ये पूरी बारिश है, ये देखो उई उई उई। अगर रात में उठी गए तो कुछ मंचिंग से लेते खाते फिर सो जाते हैं, बेस्ट ऑप्शन है ये। 1:02 हो रहे, अब जाके मैं उठ रहा हूँ, जिम तो गए नहीं ऑब्वियसली, बट हाँ रात का मौसम हुआ उसके बाद भी भाई साहब धूप आ गई एकदम से, बारिश होने का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं है यार, क्या सीन है पता नहीं। ये भी सोई रही थी जब पापा के रूम में आया, बट उसके बाद ये भी उठ के बाहर आ गई है, मेरे साथ निन्ना ही नहीं करती है। भाई मेरी गर्दन में इतना दर्द हो रहा है ना इस समय, और मेरी बॉडी बड़ी बड़ी है पता नहीं क्यों, मैं गलत पोस्चर में सो गया, मेरे अपने बेड पे फिट ही नहीं हो जा रहा, और मैं अपने बेड पे घुछड़ मुछड़ो के मेरे को सोना पड़ता है, एक कोने दूसरे कोने में पैर पूर फंसा के सिर्फ फंसा के। भाई साहब मैं ना ऐसी राइड के लिए निकला और मजाक कर लिया, अभी तो हल्की हल्की धूप आ गई है बट अभी भी वो ठंडी हवा चल रही है, और क्या मजा आ रहा है भाई घूमते हुए, मतलब मैं ज्यादा दूर नहीं गया, ये सोसाइटी की सर्विस लेन में चक्कर काटा मैंने, मैंने कहा थोड़ा राउंड काट ले, बट बेशक सोसाइटी की सर्विस लेन में ही हूं, हेलमेट पहनना जरूरी है, बट क्या मजा आ रहा है भाई इस मौसम में स्कूटी चला के। हमें जब बारिश होगी अपने आप पता चल जाएगा ना, दिक्कत क्यों ले रही है तू, कोई ना हो जाएगी अभी चल लेंगे नीचे, हमने भी हेयर केयर कर लिया, और अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो मैं दरवाजा बंद करूंगा भाई, और कुछ नहीं है देख लो, कुछ भी नहीं है, की हड्डी है। ये देखो अच्छा आलू की हड्डी है, मैंने देखा ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अब देखते हैं एक बार, अब ट्राई करते हैं, आलू की हड्डी थी, आलू की हड्डी थी, अच्छा तूने बता दिया, वरना मैं सोचता भूत आ गया घर में, इससे बड़ा और इससे बड़ा भूत कौन हो सकता है, लेकिन भूत हड्डी खाओगी भूत, अच्छा एक बार हड्डी तो दिखाओ, एमी फेच फेच भी कर रही है बताओ, हाँ मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो प्रिटेंड भी नहीं किया, कैसे हाँ तू आजा पहले, एमी फेच, वे साबित हो गया बिल्ली है, बच गए नहीं करा, दीदी को कराते रुक जा, दीदी को दीदी फेच। हमारे घर में नागिन सीरियल कम नहीं था, जो अभी नागिन की एनिमेटेड स्टोरीज भी देखने लग गए हैं लोग, मेरे पास भी जो स्ट्रेस की नहीं था ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि मैं रात में कर चुका हूँ, तो मेरे को पता अगर मैं लेट भी स्टार्ट करता ना अच्छा खासा मैं कर लेता, तो इसलिए आज मैं थोड़ा स्ट्रेस फ्री हूँ, बट कोई ना 13 दिन बचे भाई, चैलेंज खत्म होने पे, तो कोई क्या हुआ, चैलेंज ही तो खत्म हो रहा है, ब्लॉगिंग थोड़ा खत्म हो रही है। फनी होने की ट्राई थी बट नहीं हो पाया, फेल, एपिक फेल। वंशभैया की पुरानी जैकेट जो एमी की हो गई, और ये वंशभैया की नई जैकेट जो पहनते हैं वंशभैया हमेशा, अभी तक वंशभैया नहाने नहीं गए, भी नहाने जाएंगे, और जिम के लिए स्पेशली मैंने बेड से निकाली ये और दो और जैकेट्स, ये पसीने के लिए जैकेट जरूरी होती है, और पसीना अपने को अच्छे से आता नहीं, आता तो बहुत इंटेंस के बाद आता है, इंटेंस हम करते हैं बट सब भी कभी कभी नहीं आता, तो इसलिए हम और अच्छे से पसीने बहाने के लिए हमने ये जैकेट पहन लिया। ओए ओए काले मापू, मेरे को पता चल गया आप आ गए, मैंने इनको अभी बालकनी खोलते देख लिया ना, खुश अब वापस आके, बारिश हो चुकी है, कल रात को हुई थी, फिर होने वाली है शायद से, अभी तो क्लियर ही हो रखा है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है मस्त। चलो भाई डन विद जिम, अच्छे से हो गया, हमारे जिम पार्टनर शर्मीले हैं तो इसलिए व्लॉग में नहीं आएंगे, कोई नहीं वी रिस्पेक्ट इट, बहुत ही मजेदार जिम हुआ, अच्छा खासा इंटेंस वर्कआउट किया, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ नॉट मेंट टू बी टोल्ड, जो गलत था जिसपे मैंने स्टैंड लिया ऑब्वियसली, और मतलब सारे जिम के लोगों ने स्टैंड लिया, अगर आगे कभी ये मैटर और बढ़ता है तो मैं बताऊंगा, अभी मतलब वो खत्म हो गया मैटर, तभी आई गेस पब्लिक करना बनता नहीं फिर। हेलो हेलो, नहीं यार मेरे 60 रन हो रहे हैं 4 ओवर्स में, कहाँ खेल रहे हो तुम लोग? इधर इधर ही खेल रहे हैं।
गीला है यार। मेरा काम यही रह गया है बस, दीदी को कॉल करके पूछो कहाँ उनसे चाबी लेने का, क्योंकि नीचे होती है इस समय अम्मी को लेके। अब मैं जाके व्लॉग एडिट करूंगा क्योंकि फुटबॉल तो आज खेलेंगे नहीं, ग्राउंड गीले हैं, तो जितना आज शूट किया जल्दी से एडिट कर लूंगा जिससे जल्दी से फ्री हो जाऊँ, फिर आराम से रात में लंबी नींद खींच लेंगे जिससे हम सुबह टाइमली उठ जाएं। जल्दी से तो व्लॉग एडिट हो गया था उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अलग बात, डेढ़ बज गए हमें मतलब ऐसी टाइम पास करते करते, क्योंकि मैंने व्लॉग उस समय एंड करा नहीं है ना। एडिट करने के बाद मैंने लैपटॉप साइड में रख दिया, मस्त पिज्जा पार्टी करी, पापा के बर्थडे की ट्रीट थी वो, ऊपर से क्या बोलते रील वील शूट करनी थी आपके साथ वो करी, फिर इतनी देर से बस यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे और कुछ कर नहीं रहते। अब ध्यान में आया कि व्लॉग भी एंड करना था, तो आज के लोग हीरा वो करते थे सो मुझे वॉचिंग रेडियस व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना अगर मन करे तो। एंड आई होप आपको शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग पसंद आएगा। दिस वी बॉय के वॉन्च साइनिंग ऑफ विंकल का लोग आते देख लेना वाइकल से मिलते बहुत ही व्लॉग के साथ। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन। अब हम उसके टावर के नीचे जाएंगे और क्या।